हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल द कारमैन। आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 टाटा नेक्सॉन ईवी का बेस मॉडल क्रिएटिव प्लस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस गाड़ी का बेस मॉडल में मिलने वाला फीचर्स, बैटरी पैक, रेंज, इसके अलावा वारंटी ऑप्शन क्या मिलता है, सेफ्टी फीचर्स क्या मिल जाता है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो के आखिर में हम लोग इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस क्या है बेस मॉडल का, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी का बेस मॉडल में आपको एक्सटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है उसकी ओर देख लेते हैं। इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल में आपको फुल एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा डुअल फंक्शन एलईडी डीआरएल्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी कनेक्टेड एलईडी बार वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हेडलाइट्स के नीचे आपको एयर स्लैट्स देखने को मिलेगा जो कि एरोडायनामिक को इंक्रीज करता है और गाड़ी का रेंज वगैरह को भी अच्छा कर देता है क्योंकि ये ईवी है। इसके अलावा इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर का भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक कर दिया गया है, जहाँ पर आपको वर्टिकल स्लैट्स भी देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की ओर अगर देखा जाए तो इस गाड़ी का बेस मॉडल में आपको साइड में 16 इंचेस का स्टील रिम्स देखने को मिल जाएगा व्हील कैप्स के साथ में। इसके अलावा व्हील आर्चेस के ऊपर आपको ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा ORVM के ऊपर में, जो कि बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। रियर प्रोफाइल की ओर अगर देखा जाए तो नेक्सॉन ईवी बेस मॉडल में आपको रियर प्रोफाइल में फुल LED टेल लैंप्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको कोई भी कनेक्टेड बार वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा रियर में आपको रियर स्पॉइलर वगैरह, सार्क फिन एंटीना, न्यूली डिजाइंड रियर बम्पर और रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो एक्सटीरियर प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ही दिया गया है फीचर लोडेड बेस वेरिएंट वाइज। तो चलिए गाइज, अब हम लोग 2024 टाटा नेक्सॉन ईवी बेस मॉडल क्रिएटिव प्लस में आपको इंटीरियर कैसा देखने को मिलता है और फीचर्स क्या कुछ देखने को मिल जाता है उसकी ओर देख लेते हैं। इस गाड़ी में आपको डुअल टोन फिनिश में इंटीरियर देखने को मिल जाएगा बेस मॉडल में। इसके अलावा बेस मॉडल में आपको फीचर्स के नाम पर पावर स्टीयरिंग विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 4 पावर विंडोज, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 4-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट, 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। इसके अलावा कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट USB चार्जिंग पोर्ट, बैटरी रीजन टेक्नोलॉजी, 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल हेडलैम्प विद फॉलो मी हेडलैम्प फंक्शन, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, 7 इंचेस का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक ORVM, 7 इंचेस का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो बेस वेरिएंट में फीचर्स दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड और वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है। सेफ्टी फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी का बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 4 सीट बेल्ट रिमाइंडर, डे नाइट ORVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेफ्टी पैकेज है। इसके अलावा इस गाड़ी का अगर रेंज और बैटरी पैक वगैरह की ओर अगर देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन ईवी बेस मॉडल में आपको 30 kWh का एक लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 95 kW का एक मोटर देखने को मिलेगा, जिनके कॉम्बिनेशन में आपको 127 BHP का मैक्स पावर और 215 Nm का मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट बेस मॉडल में आपको जो क्लेम्ड रेंज देखने को मिलता है वो है 325 किमी का। अब रियल लाइफ में वो शायद से आपको 250 किमी प्लस तक का रेंज दे सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ आपको 8 ईयर्स और 160,000 किमी का वारंटी पैकेज देखने को मिल जाता है, जो कि है बैटरी पैक के साथ में। टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट बेस मॉडल के साथ आपको 3 चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से एक है 3.3 kWh का AC चार्जर, जिसके मदद से आप लोग 10 घंटा 30 मिनट में अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है 7.2 kWh का AC चार्जर, जिसके मदद से आप लोग 4 घंटा 18 मिनट में अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा है 50 kWh का DC फास्ट चार्जर, जिसके मदद से आप लोग 56 मिनट्स में 10-80% चार्ज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। तो चलिए गाइज, अब हम लोग टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट बेस मॉडल क्रिएटिव प्लस का जो एक शोरूम प्राइस है उसकी ओर देख लेते हैं। इस गाड़ी का फिलहाल इंडिया में जो एक शोरूम प्राइस है वह है 14.74 lakh rupees, और ऑन रोड प्राइस लगभग आपको और भी 1 lakh rupees ज़्यादा देना पड़ सकता है, वो स्टेट वाइज वेरी करता है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर ही मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।